नमस्कार मित्रों, आपका पसंदीदा जो चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, सभी दिनों में व्रत रखने के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम शनिवार के दिन व्रत रखने के क्या लाभ होंगे या इस व्रत को कैसे प्रारंभ किया जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको हम शनि ग्रह के बारे में बता दें। ग्रहों में आपने देखा होगा, शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर शनि ग्रह आपके ठीक हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। शनि ग्रह आपके अच्छे हैं तो आपको राजनीतिक बड़े पद या उच्च पद प्राप्त होंगे। आपको शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक पीड़ा नहीं आएगी। कहा जाता है कि अगर आप सदाचार या सत्य बोलते हैं या जीवन में झूठ, पाप इन सब से दूर रहते हैं तो शनि देव आपको कभी पीड़ा नहीं प्रदान करते हैं। साढ़े साथी एवं अढ़ैया जीवन में आदमी को जरूर लगती है। शनि हर 30 साल बाद आपकी कुंडली में साढ़े साथी लगाते हैं, क्योंकि शनि 30 साल में अपनी पूरी एक परिक्रमा करते हैं। अब शनिवार ग्रह व्रत के बारे में बात कर लें। शनि देव शंकर जी को अपना गुरु मानते थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, हनुमान जी के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो शनिवार के दिन आप इनमें से किसी की भी पूजा करें, किसी को भी अपना आराध्य बनाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनिवार का व्रत आप रखें, शनि देव को तिल, काला तिल तेल से स्नान कराना, नीला पुष्प चढ़ाना, नीला वस्त्र समर्पित करना, यह सब शनि देव को बहुत अच्छा लगता है। शनि चालीसा, शनि स्त्रोत का जाप या शनि मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में शनि संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंभ एवं मकर राशि दोनों राशियों के स्वामी शनि देव को माना जाता है। कुंभ राशि अर्थात आय भाव, आपके कर्म का जो परिणाम होता है, आय होता है, इच्छा पूर्ति होती है। काल पुरुष कुंडली में उस स्थान का मालिक शनि देव को बनाया गया है। दशम भाव अर्थात दसवीं राशि मकर राशि, इसके भी स्वामी शनि देव हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा शनि देव ही करते हैं। अतः आपके आय में एवं कर्म में कोई समस्या आ रही है तो आप ज़्यादातर देखेंगे आपकी कुंडली में शनि की शुभ स्थिति नहीं है। जो लोग जीवन में बिना ज़्यादा मेहनत के आय भी करते हैं या आसानी से उनके पसंदीदा कार्य या जो कार्य वो करना चाहते हैं उनको प्राप्त होता है, कहीं न कहीं उनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्रत कैसे उठाएं, चाहे वो शनि का व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो। जिस वर्ष खरमास न लगा हो उसी वर्ष कोई व्रत उठाना चाहिए। दूसरी चीज, शुक्ल पक्ष में ही व्रत उठाना चाहिए। महीने के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की किसी शनिवार को भी यह व्रत उठाया जाए। व्रत उठाने के लिए आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय आप किसी ब्राह्मण से या स्वयं आप पूरे मनोभाव से भगवान शनि देव की प्रार्थना करें और संकल्प में आप 11, 21, 41 जो भी संख्या रखनी हो व्रत की संख्या आप पहले से ही बता दें। भारतीय संस्कृति में विषम संख्या में व्रतों की संख्या रखना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यथाशक्ति आप दिन भर बिना कुछ खाए पिए भी व्रत रह सकते हैं। शाम को शनि की उपासना करने के बाद आप व्रत का पारण करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। नहीं तो आप दिन में किसी सूक्ष्म फलहार करके भी शनि देव का नाम लेते हुए आप दिन बिताएंगे तो आपके लिए यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। शनि देव गरीबों, परेशान लोग, बीमार लोगों में वास करते हैं ऐसा माना जाता है। अतः इस दिन आप काम करने वाले मजदूरों को, गरीबों को जो खाया पिया नहीं हो या वृद्धों को आप भोजन कराते हैं या उनकी सेवा करते हैं
या उनको कंबल दान करते हैं, तीसरे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी दशा में या अपने शनि की साढ़े साथी में या अपने कारकत्व में आपका विकास करते हैं, आपके लिए शुभ करते हैं। व्रत आप अपनी यथाशक्ति से रखें, लेकिन हाँ, व्रत का उद्यापन जरूर करें। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, अर्थात आपने जितने दिन के लिए व्रत माना हो वो दिन पूरा हो जाए, तो आप विधि विधान से शनि देव की पूजा करें, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, ब्राह्मण एवं मजदूरों को दान दें जिससे शनि देव प्रसन्न हों। शनि को तेल से स्नान कराने पर शनिवार के दिन ये बहुत प्रसन्न होते हैं, अतः शनिवार को विधिपूर्वक काले तिल एवं सरसों के तेल से शनि का अभिषेक करें, पूजन करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। इस व्रत के संबंध में कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप अपने चैनल ज्योतिष पंचांग पे फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।